हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आज सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, जिनमें आज के दिन काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ चुका है। उन स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास किसी भी लेवल पे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंस फाइव फिटिंग लिमिटेड के बारे में। प्रिंस फाइव फिटिंग लिमिटेड में एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ चुका है। उस अपडेट के ऊपर जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा। जैसे कि कल के दिन आपने देखा होगा, इन स्टॉक में हमें 1.5% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिला था, और पिछले 5 डेज की बात करें तो लगभग 3.5% के आसपास। और अगर 1 मंथ की बात करें दोस्तों, जितना गिरावट हुआ था 5 दिन से उतना हमें गिरावट रिकवर होते हुए देखने को मिला। और ये जो तेजी है ये और भी कंटिन्यू होते हुए देखने को आपको मिल सकता है। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न दोस्तों शायद से Q2 के नंबर। देखो शायद से, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरी स्टडी से, तो मेरी स्टडी के हिसाब से जो पॉइंट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप चाहो तो इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हो, आप नोट करके फर्दर स्टडी भी कर सकते हो। आप चाहो तो जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। Q2 के नंबर क्यों, क्योंकि हाल ही में आपने देखा भी होगा कि इसके Q2 के नंबर आ चुके हैं प्रिंस पाइप के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके Q2 का नंबर आएगा कल के दिन 9 नवंबर। कल के दिन हमें इस प्रिंस पाइप फिटिंग लिमिटेड इस कंपनी के नंबर देखने को मिल जाएगा। जैसे नंबर आएगा मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। तो क्या प्रिंस पाइप के नंबर इस बार Q2 के नंबर अच्छे आने वाला है, तो बिल्कुल भी नहीं। बल्कि कुछ ब्रोकरेज के द्वारा ये एस्टिमेट किया जा रहा है, जो प्रिंस पाइप के इस बार के नंबर हैं वो क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस खराब आ सकता है। ये तो मैंने इसके रिजल्ट निकाले पिछली बार, अगर बात करें इसको भी बीट करना चाहिए और इसको भी। और ये मान के चल रहे कुछ ब्रोकरेज के द्वारा, कुछ स्टेटमेंट आए थे हाल ही में, आपने देखा होगा, इसको और इसको दोनों बेसिस पे कंपनी के सेल्स, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी के नेट प्रॉफिट, दोनों बेसिस पे, क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी के नंबर में हमें डीप देखने को मिल सकता है। तो अगर नंबर इतने खराब आएंगे क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे, तो स्टॉक में तेजी क्यों हो सकता है, वही लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। अगेन मैं करूँ, ये मेरी लॉजिक है, मेरी स्टडी है। आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, आप चाहो तो जो पॉइंट अच्छे लगे उसको नोट करके फर्दर स्टडी भी कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि दोनों बेसिस खराब नंबर होने के बाद भी, इस नंबर से भी खराब नंबर आने के बाद भी प्रिंस पाइप में तो गिरावट होना चाहिए, तो स्टॉक में गिरावट नहीं, स्टॉक में बल्कि थोड़ा बहुत तेजी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलो उस पॉइंट को हम कवर करते हैं। तो उस पॉइंट के लॉजिक है दोस्तों, उनके जो जितने भी कॉम्पिटिटर है, आपको पता है जिस सेक्टर में प्रिंस पाइप काम करता है, फिटिंग एंड पाइपिंग सेक्टर में, उसी सेक्टर में और भी बहुत सारे कंपनी है, और भी कुछ लीडिंग कंपनी है, और भी कुछ उससे भी छोटी कंपनी है। जैसे कि अगर बात करें नंबर 1 पे ईस्टर्न लिमिटेड, दूसरे नंबर पे सुप्रीम इंडस्ट्री, तीसरे पे फिनोलेक्स, चौथे पे आ रहे दोस्तों प्रिंस पाइप। ये चारों कंपनी स्टेबल कंपनी है। अगर बात करें ईस्टर्न लिमिटेड, इसके नंबर तो अभी आए नहीं, प्रिंस पाइप इसके नंबर कल के दिन देखने को मिल जाए, पर बाकी बचे सुप्रीम इंडस्ट्री और फिनोलेक्स इंडस्ट्री, तो दोनों, इन दोनों के नंबर हमें आते हुए देखने को मिला। लेकिन इन दोनों के नंबर कैसे हैं, चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्री के नंबर किस टाइप के आए। हम आ चुके फिनोलेक्स इंडस्ट्री के नंबर के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे सेल्स इस बार के 1080 के सेल्स हो चुके हैं, 940 और 1200 का सेल्स 940। तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस फिनोलेक्स की जो इनकम है वो बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 300 की ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका है -143 और 126 का -143। तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी के नंबर सिर्फ खराब नहीं, बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टाइम हमें कंपनी के नंबर आप देख पाओगे इतने टाइम बाद, जो सेल्स है वो 1000 के नीचे जाते हुए देखने को मिला। ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस खराब, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो फर्स्ट टाइम हमें 300 का प्रॉफिट डायरेक्टली लॉस में जाते हुए देखने को मिला, 126 के डायरेक्टली लॉस में जाते हुए देखने को मिला। तो नंबर कैसा है, कोई बच्चा भी बोल देगा नंबर बहुत ही खराब है। तो फिर नंबर अगर इतने खराब है तो स्टॉक में तो बहुत हैवी गिरावट होना चाहिए। तो चलो हम देख लेते हैं स्टॉक को। ये रहा फिनोलेक्स इंडस्ट्री। आप देख पाएंगे कल के दिन लगभग स्टॉक में 8% तेजी देखने को मिला था, पिछले 5 डेज की बात करें तो 16% से लेकर 17% की रैली, और अगर पिछले 1 मंथ की बात करें दोस्तों 12% की हमें रैली देखने को मिला था। इसी बीच में नंबर आए थे, नंबर इतने खराब होने, फर्स्ट टाइम हमें ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे इतने डीप देखने के बावजूद भी फर्स्ट टाइम हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद भी स्टॉक में गिरावट होने की वजह से, मतलब होना चाहिए उस स्टॉक में हमें रैली देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गए दोस्तों कौन से, फिनोलेक्स इंडस्ट्री। अब चलते हैं सुप्रीम इंडस्ट्री के ऊपर। ये रहा सुप्रीम इंडस्ट्री के नंबर, जो कि एक लार्ज कैप, थोड़ा बहुत लार्ज कैप टाइप की कंपनी। तो हम देख लेते सेल्स, 1900 के सेल्स हो चुके हैं 2000, चलो अच्छी बात है, 2200 के सेल्स 2000, चलो ओके चल जाएंगे। देन अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, 311 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 147 और 270 के 147। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आधा हो चुका है ईयरली बेसिस प्रॉफिट, और क्वार्टरली बेसिस भी बहुत अच्छे खासे हमें डीप देखने को मिल रहा है। तो इस नंबर को भी बाजार को नेगेटिवली रहना चाहिए और स्टॉक में हैवी करेक्शन होना चाहिए। तो चलो हम वो भी देख लेते हैं। ये रहा सुप्रीम इंडस्ट्री के नंबर, कल के दिन आपने लगभग 5% के आसपास स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिला था, और अगर पिछले 5 डेज की बात करें तो लगभग 9% के आसपास।
और एक मंथ की बात करें जो कि एक मंथ के बीच यानी कुछ दिन पहले इसके नंबर हमें आते हुए देखने को मिला, नंबर क्वार्टरली यानी दोनों बेसिस पे आधा हो चुका है। उसके बावजूद भी स्टॉक में हमें जब से नंबर आए स्टॉक में हमें शानदार तेजी देखने को मिला। सिर्फ इसी में नहीं, जो फिनोलेक्स इंडस्ट्री है दोनों जिन इन सेक्टर में दो भी कंपनी के जो नंबर आए फिनोलेक्स और सुप्रीम दोनों के नंबर खराब आने के बाद भी स्टॉक में हमें तेजी और तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि आप मान के चल सकते हो अगर प्रिंस पाइप के नंबर जो ब्रोकरेज हाउस मान के चले थे उनके एस्टीमेट के हिसाब से कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली दोनों बेसिस डीप देखने को मिलेगा, मुझे तो लगता है ऐसा अगर डीप देखने को मिलता भी उसके बावजूद भी स्टॉक में जो गिरावट होना चाहिए, जो कहते हैं ना ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस खराब नंबर आता है तो स्टॉक में वैसे देखा जाए गिरावट होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता ऐसे खराब नंबर दिखाने के बाद भी इस प्रिंस पाइप में हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। या फिर थोड़ा बहुत अगर अच्छे भी दिखा दें तो स्टॉक में गिरावट की जगह स्टॉक में हमें तेजी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन दोनों कंपनी से हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है। क्योंकि बाजार मान के चल रहे थे ये जो प्रॉफिट माइनस में हो सकता है, बाजार मान के चल रहे थे 140 के जगह 150 163 ऐसा होना चाहिए, वो बाजार के हिसाब से। दोस्तों बाजार में एक चीज़ें नहीं चलते, ना आप और मैं रहते हो, बहुत सारे इन्वेस्टर रहते हैं, तो बाजार को बहुत हिसाब से डिटेल में स्टडी किया जाता है, तो उन हिसाब से अगर देखा जाए तो बाजार ने जितना उम्मीद किया था हो सकता है उससे थोड़ा सा हमें ऐसे देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रियली बेसिस दोनों बेसिस बहुत ही खराब नंबर देखने को मिल रहा है। वैसे कोई बच्चा भी बोल देगा कि बहुत खराब नंबर है तो उसमें गिरावट होना चाहिए, लेकिन दोनों कंपनी ने इतने खराब नंबर दिखाने के बाद भी इस सेक्टर में गजब रैली देखने को मिला, तो पॉसिबिलिटी है अगर प्रिंस पाइप ने इससे भी खराब नंबर दिखा दे तब भी मुझे नहीं लगता स्टॉक में ज्यादा गिरावट हो सकता है, वो तो हमें कल के दिन ही पता चल जाएगा। तो अगर आपके पास प्रिंस पाइप और इस लेवल पे है जो कि आपने एक साल पहले बाय किया और 35% आपको टॉप से गिरा मतलब लॉसेस देखने को मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता आपको लॉस में बेचना चाहिए। अच्छे कंपनी प्योर डेट फ्री कंपनी तो आने वाले लॉन्ग टाइम ये कंपनी बहुत बड़ी मल्टीबैगर ये जरूर बन सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया 6,000 करोड़ की मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी, यहाँ पे कोविड में स्टॉक में 70-80% करेक्शन हुआ था, तो क्या खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, आज भी देख रहे हो इतने गिरावट होने के बाद भी 300% के रिटर्न। तो इतना कहना चाहूँगा अच्छे आपके पास है तो आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इस टाइम पे डिसीजन लेना है ना कि आपको एवरेज करना है या फ्रेज बाइंग करना है, तो कल के दिन नंबर देख लेना, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा, उसके बाद चाहो तो आप डिसीजन ले सकते हो। तब तक कोई भी डिसीजन मत लेना दोस्तों ब्लाइंडली, तो आप भी अटक सकते हो। तो प्लीज़ कल के दिन स्टॉक ऑफ फोकस में जरूर रखना, जैसे नंबर आएगा मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। एस्टेल लिमिटेड, तो इसमें ज़्यादा आपको पैनिक करने की तो जरूरत है नहीं, इसमें नंबर खराब भी आए तब भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि है इतने शानदार कंपनी और एक लीडिंग कंपनी है। अगर आपने यहाँ पे बाय किया जो कि मैं आपको बहुत पहले बता दिया आपको गलती से भी फ्रेज बाय नहीं करना है, अगर बाय करना है तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था तब आपको बाय करना चाहिए था, अगर आपने बाय नहीं किया तो आपके हाथ से रैली छूट चुका है। और बाजार डेली बेसिस पे आपको मौका देता रहता है, बस उस मौके को स्टडी करके आपको ग्राफ करना आना चाहिए, तो आपको इजीली भी शॉर्ट टाइम में आपको अच्छे खासा प्रॉफिट बन जाएगा। तो अभी बाय ना करें, इसके 11 नवंबर को नंबर है, तो कल के दिन तो प्रिंस पाइप के नंबर देख लेना, अगर प्रिंस पाइप के नंबर अच्छे आते हैं तो नो डाउट 11 नवंबर को इसके नंबर एस्टेल लिमिटेड के नंबर भी अच्छे आएंगे। बहुत कमाल की कंपनी, लॉन्ग टाइम के लिए बहुत शानदार आप देख पाएंगे, बहुत शानदार कंपनी, तो जरूर होल्ड कर लेना। तो एक बार नंबर देख लेना, दो दिन बाद इसके नंबर आ जाएंगे और कल के दिन प्रिंस पाइप के, तो दोनों स्टॉक का फोकस में जरूर रखना, जैसे नंबर आएगा मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। अभी तक फ्रेश बाय नहीं किया तो होल्ड कीजिए, नंबर आने दीजिए दो दिन बाद, उसके बाद चाहो तो आप रिएक्शन ले सकते हो। सो KPRT टेक्नोलॉजी, इसमें भी बहुत सारे लोग पैनिक हो चुके हैं, क्योंकि स्टॉक में 5 दिन से स्टॉक में हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला, और इस 3% 4% अगर आप पैनिक हो जाओगे तो ऐसे स्टॉक दोस्तों आपके लिए नहीं, ऐसे स्टॉक में तो और भी हैवी करेक्शन होगा, क्योंकि स्टॉक के अगर रिटर्न देखोगे 6 मंथ में 30%, 1 साल में ऑलमोस्ट पैसे डबल, और पिछले 5 साल की बात करें, पूरे 5 साल तो नहीं है, जितने भी डेटा हमारे पास 3 साल 3 साल 5-5, 6-6 गुना इंक्लूडिंग पैसे हो चुका है। दोस्तों ऐसे स्टॉक रिस्की स्टॉक है नो डाउट, न्यू कंपनी और एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी, अभी तो मिड कैप साइज के बन चुका है, तो रिस्की कंपनी, लेकिन रिवॉर्ड बहुत कमाल के देंगे, यानी कि रिटर्न कोई भी लार्ज कैप कंपनी आपको 3 साल में 500% नहीं देगा, वो 100-150 ऐसा ही देगा, लेकिन अगर आपको इतने रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क भी इतना होगा, क्योंकि गिरावट भी इतना ही, जो भी आपको देखने को मिले ना 2 दिन में 5%, इससे आपको 1% के मतलब पैनिक नहीं होना, ये तो नॉर्मल सी गिरावट है। ये जो आपको कोविड गिरावट देखने को मिला था ये गिरावट दोस्तों 70% के था, मतलब 1 साल तक 70% के लॉस लेके जो लोग बैठे थे वो लोग बैठे रहते हैं जो लोग जिनको बिजनेस के बारे में पता है, बल्कि उन्होंने तो एवरेज भी किया होगा, आज उनके पोर्टफोलियो में गजब की प्रॉफिट है। तो आपको गलती से भी पैनिक नहीं, और सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में आपने देखा होगा 2022 में ये स्टॉक 40% करेक्शन हुआ था, जब स्टॉक 450 तक आए थे, 801 के स्टॉक 450, तब से मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, बाय कर लो, अगर आपके पास टॉप पे 800 पे तो एवरेज कर लो, आपके एवरेज पाइंग 600-650 तक आ जाएगा, तो जब स्टॉक भागेगा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। हाल ही में आपने देखा होगा Q2 के पास स्टॉक 440 तक जाते हुए देखने को मिला, तो जिन्होंने भी 440 पे बाय किया उससे पहले ही बता चुका हूँ 700 के पास स्टॉक चले जाए तो आपको फ्रेश बाय नहीं करना है, और 640 तक स्टॉक आ जाए तब आपको इंस्टॉलमेंट लगाने के बारे में विचार करना। तो स्टॉक ने 2-3 दिन से स्टॉक 5-7% करेक्शन हुआ, तो आपको पैनिक नहीं होना है, होल्ड कीजिए, एवरेज और फ्रेज बाइंग भी नहीं करना है। अगर आपको फ्रेज बाइंग और एवरेज करना ही है तो स्टॉक 620-630 तक आए तब चाहो तो इसके बारे में आप विचार कर सकते हो, अच्छी कंपनी आप जरूर होल्ड कर सकते हो।
सो मोदी नव निर्माण, ये 500 रुपये के आसपास स्टॉक देखने को मिले। हाल ही में एक अपडेट आया था, एक के बदले 3 शेयर, उसके एक डेट निकल के आ चुका जो कि 15 नवंबर, उससे पहले अगर स्टॉक को बाय करोगे तो इसके लेवल एलिजिबल आप हो जाओगे। सो वीडियो में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।